भाजपा राज का बुलडोजर देश के माफियाओं पर चलने के बाद अब पड़ोसी देश पाकिस्तान में जा पहुंचा है। बुलडोजर का इस्तेमाल अब तक जहां देश के माफियाओं में खोप पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, तो वहीं इस बुलडोजर ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को भी झटका देकर हिलाने का काम किया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये हुआ कैसे, तो हुआ ऐसे कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री व तहरीके इंसाफ के प्रमुख इमरान खान एक केस में सुनवाई के लिए इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए थे। उनके रवाना होने की देर ही थी कि पीछे से जमान पार्क स्थित पंजाब की पुलिस ने बुलडोजर चला दिया। पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से जो खबरें सामने आई है उसके मुताबिक इमरान खान के घर के गेट को बुलडोजर से गिरा दिया गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान इमरान खान के समर्थक पुलिस कर्मियों से भी भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने तकरीबन 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब की पुलिस के द्वारा की गई इस कार्रवाई की देरी ही थी कि इसके बाद से इमरान खान भड़क गए और उन्होंने कहा कि उनकी बीवी बुशरा बेगम अकेली है। सवाल उठाते हुए इमरान खान ने कहा कि आखिरकार किस कानून के तहत लाहौर पुलिस ने ये अभियान चलाया है। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों तोशाखाना मामले में आरोपों से घिरे हुए हैं और अब बात उनके गिरफ्तारी तक जा पहुंची है। बता दें कि बुलडोजर की कार्रवाई से पहले इमरान खान का काफिला हादसे का शिकार हुआ था। दरअसल इस्लामाबाद के रास्ते में ही इमरान खान के काफिले की एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जानकारी के मुताबिक इस घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, बल्कि दो गाड़ियां क्षतिग्रस्त जरूर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत आज।